रणबीर कपूर ने किस हॉलीवुड एक्टर के छुए पैर? कन्नड़ रनौत क्यों गई अजमेर? करण के शो में कौन होगा पहला गेस्ट? वेल, टू नो ऑल ऑफ दीज स्टोरीज यू विल हैव टू टेक अ लुक एट अ नॉनस्टॉप सेगमेंट। हॉलीवुड सुपरस्टार रॉबर्ट डिनेरो पहुंचे अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल, जहां रणबीर कपूर के साथ वरुण धवन और अयान मुखर्जी भी कर रहे थे इनका वेट। आपको बता दें, रणबीर कपूर रॉबर्ट डिनेरो के फैन हैं और आप देख सकते हैं यहां आते ही जूनियर कपूर ने अपने फेवरेट सुपरस्टार रॉबर्ट डिनेरो के पैर छुए। अनुपम खेर के स्टूडेंट्स को एक्टिंग टिप्स देने स्पेशली मुंबई आए रॉबर्ट डिनेरो से यहां उनसे मिलने वालों में अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, वरुण धवन और दिया मिर्जा समेत कई और सेलिब्रिटीज शामिल थे। कंगना रनौत पहुंची अजमेर सूफी सेन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मन्नत की चादर चढ़ाने। कंगना यहां अपनी अपकमिंग फिल्म रज्जो के लिए दुआ मांगने अजमेर पहुंची थी। क्रिश 3 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद कंगना काफी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि रज्जो भी हिट होगी। फिटनेस फ्रीक जॉन नजर आए मुंबई में साइक्लोथॉन को प्रमोट करते हुए। इस साइक्लोथॉन के ब्रांड एम्बेसडर दबंग खान हुआ करते थे और लोगों को साइकिलिंग करने के लिए एडवाइस देते थे, लेकिन अब इस इवेंट पर आए जॉनी बॉय दे रहे हैं लोगों को साइकिलिंग टिप्स। एंजॉय साइकिलिंग, एक एक्सरसाइज फॉर्म के लिए मैं घर मेरे जिम में भी एक साइकिल है, अ स्टैंडिंग बाइसिकल, तो आई डू अबाउट 16 किलोमीटर्स, अबाउट 10 माइल्स एवरी डे, वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा करो तो बेहतर होगा। आई वांट टू इंक्रीज दैट टू अबाउट 20 या 30। करिश्मा कपूर पहुंची दिल्ली के एक पेंटिंग एग्जीबिशन को इनॉग्रेट करने। इस पेंटिंग एग्जीबिशन में छोटे छोटे बच्चों की पेंटिंग्स शोकेस की गई। इस इवेंट के लिए ग्रीन कलर के आउटफिट में पहुंची लोलो लग रही थी हमेशा की तरह गॉर्जियस। लोलो ने यहां बच्चों को किया इनकरेज। आई एम हियर ऑफ कोर्स टू प्रमोट एंड इनकरेज दीज वेरी यंग आर्टिस्ट, दे ऑल बिलो 14, 14 साल के उम्र के छोटे हैं, तो इतने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है, इतने आर्टिस्टिक है, and I think we should all be humbled by it. सुपर हॉट सनी लियोनी लोगों को डराना चाहती हैं। जी हाँ, अपनी फिल्म रागिनी MMS 2 के प्रमोशन के वक्त खुद सनी ने इस बात को किया एक्सेप्ट। मैं चाहती हूँ जस्ट एवरीबॉडी गेट स्केयर्ड, आई वांट एवरीबॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम टू बी स्केयर्ड ऑफ मी। ये फिल्म जनवरी में रिलीज होगी और वी विश अपने फैंस को डराने की सनी की ये ख्वाहिश जरूर पूरी हो।